हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं कुछ मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए फटाक से देख लेती हूँ क्या बनने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं बालूशाही। पूरे मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी और कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने डेढ़ कटोरी मैदा लिया है और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल ऐड किया है। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप घी डालें, घी मैं बताऊँगी लास्ट में डालना है, तो उसे फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इस तरह जब बन जाए इसकी लड्डू टाइप, तब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारे आटों को एक में करना है। इसमें सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है, पहली टिप्स यही है कि बिल्कुल आटे को, जैसे हम मैदा नॉर्मली आटा लगाते हैं, गूद गूद के लगाते हैं खूब अच्छे से, उसे उस तरह बिल्कुल नहीं करना। इसको इसके आटे को सिर्फ एक इकट्ठा करना है, बस बिल्कुल गूंथना नहीं है। ये देखिए, हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था, ये हो गया है हल्का सा। बस हम इसे फिर से ऐसे गूंथ लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और हाथ की मदद से मैंने फैला के इसे कट किया है। यहाँ पर मेन स्टेप इसका यही है, जो इसकी लेयर्स निकल के आती हैं ये इसी की वजह से आती है। इसको अच्छे से हमें बार बार कट करके ऐसे करना है। आप बेलन के साथ ले सकते हैं, हाथ से भी, हाथ से ज़्यादा नहीं होगा इसलिए क्योंकि आटे को हमने एकदम सख्त नहीं रखा है, सख्त रखा है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं है, तो हाथ से तो नहीं होगा, तो इसलिए बेलन की सहायता लेके आप अच्छे से इसे, ये देखिए मैंने ये चीज़ 6 से 7 बार ये स्टेप किया था, तो आप इसे अपने हिसाब से कर लें, लेकिन जितने अच्छे से करेंगे उसकी परत उतनी अच्छे से निकलेगी। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम मार्केट जैसी बनती है, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए इसकी परत देखिए कितनी अच्छे से आई है ना। अभी जब ये हम तलेंगे बालूशाही को, तब देखिएगा बहुत अच्छी इसकी परत निकलेगी। बस अब आप इसे पेड़े इसके बना लें, हाथ से बनाना चाहे हाथ से बनाएं, जैसे आपको समझ में आए। ये चाकू से मुझे लगता है कि एकदम एक एक मतलब अच्छे से साइज़ निकल आती है। इसमें मैं बार बार आपसे यही बोल रही हूँ कि बिल्कुल इसे मसलना नहीं है, इसके जो लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। देखिए लेयर कितनी अच्छी आई है इसको, बस उंगली की सहायता से हल्का सा इसमें होल कर देना है, बस ये देखिए। और चलिए इधर देख लेते हैं, यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, रिफाइंड ऑयल। इसमें मैंने यही कहा है, यहाँ पर हम 1 चम्मच घी इसी रिफाइंड ऑयल में ऐड कर देंगे, जिससे पूरा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ज़्यादा घी डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 चम्मच घी हम रिफाइंड ऑयल में डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इधर उधर तेल गर्म हो रही, इधर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मेजरमेंट है 1 कटोरी, यहाँ पर मैंने चीनी ली है और 1/2 कटोरी पानी। तो जितना आप चीनी लेंगे उसका 1/2 हमें पानी ऐड करना है। बिल्कुल चाशनी नहीं बनानी है कि तार वाली चाशनी, 2 या 3 तार की चाशनी बनानी है, नॉर्मल एकदम सिर्फ नॉर्मल चाशनी बनानी है, जैसे रसगुल्ले की चाशनी होती है उस तरह हमें चाशनी बनानी है। तो बस इधर हमने उधर हमारी चाशनी बन रही है, इधर हम बालूशाही फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए क्या है मेन बात, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली, पहले हम तेल को हाई फ्लेम पे गरम करके उसको स्लो कर देंगे और ठंडा ही रखेंगे। यहाँ पर मेरा तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म था इसलिए जल्दी, ये देखिए ये बालूशाही बहुत जल्दी ब्राउन हो गई, लेकिन मैंने इसको काफ़ी देर तक कुक किया था, ठंडा करके फिर से कुक किया था तो हो गया था। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि तेल बहुत कम गर्म होना चाहिए, हाई फ्लेम पे एकदम नहीं, बस मीडियम तेल गरम हो स्लो फ्लेम पे, फिर आप ये बालूशाही डाल दें। ये सीढ़े में हमने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है अच्छा दिखने के लिए, आप चाहें तो ऐड करें या स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। ये देखिए हमारे, ये देखिए कितने अच्छे से बालूशाही हो गया ना, ये एकदम इस तरह गोल्डन फ्राई करना है। अब सारी बालूशाही हम निकाल लेते हैं, दूसरा बैच हम डालेंगे, तब तक इधर हम अपना ये सीढ़ा हमारा तैयार हो गया है उसको भी देख लेंगे। वहाँ पर मैंने 2 इलायची डाली थी कुटी हुई, आपके पास अगर इलायची पाउडर हो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी बालूशाही हमारी तैयार हो गई है, एक बैच हो रहा तब तक मैंने सोचा कि इसको करके निकाल लेती हूँ सीढ़ी में से। ये देखिए सारी बालूशाही मैंने एक में ही ऐड कर दिया है। अगर किसी पैन, ऐसे पैन में लीजिए कि आप इसको अच्छे से ऐसे राउंड कर सकें, तो सारा सीढ़ा एक में ही सोख हो जाएगा। और इसको ना 5 या 6 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, बस थोड़ी देर रखेंगे ये अच्छे से सारा बालूशाही
रस्सा पी लेगा। इसीलिए इसके लेयर्स की जाती हैं ताकि ये सारे लेयर्स के अंदर जल्दी से सीढ़ा पहुंच जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा सीढ़े वाली रखी है, आप वो सीढ़े वाली नहीं रखना है तो थोड़ा सा सीढ़ा और पका लेंगे तो सीढ़े वाली नहीं होगी। वैसे ये बाद में सूख गई थी पर मुझे ऐसे लगता है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना, बहुत इतनी ही टेस्टी बनी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से ना लेयर भी वैसे ही है। ये देखिए ये कितनी जूसी बनी है ना, ये देखिए अंदर तक एकदम चाशनी गई है। तो इंजॉय कीजिए, सबके साथ अपनी रेसिपी शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।